है, जितना पैसा है ले लो, उठा लो माल, अडानी विल मार। दीपावली से पहले जितना माल है रखे हो अपने बैंक का फिक्स डिपॉजिट तोड़कर, उठा लो माल अडानी विल मार का जी, और उठा लो माल पीएनबी हाउसिंग को, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर पीएनबी हाउसिंग को और अडानी विलमार को, एचएएल को और बीईएल को, उठा लो माल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को और इंडस टावर को, और उठा लो माल इंडिगो पेंट को, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर दोस्तों। सुजलन एनर्जी उठा लो माल फिक्स डिपॉजिट तोड़कर, एनर्जी में फिक्स डिपॉजिट तोड़कर बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट रखे हो सबको तोड़कर, उठा लो माल भारत डायनेमिक इंडिया लिमिटेड को, और उठा लो कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का एनसीसी माल को, दबाकर उठा लो एनबीसीसी को दोस्तों। अपोलो टायर को उठा लो जितना फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, और क्रेडिट एक्सेस के साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उठा लो माल आज जितना भी ये नीचे गिरता है दोस्तों। समार्थन मदर्सन 63 रुपया का बाई एंड होल्ड, लाइफ टाइम होल्ड करने वाले ये सभी स्टॉक, सोनाटा सॉफ्ट कमाई करके आज देने वाले दोस्त, सोनाटा आज की कमाई कराने वाले स्टॉक अब शुरू होता है दोस्तों। इसके पहले था ये जो जो भी स्टॉक बताए, पंजाब नेशनल बैंक, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर जितने सेविंग रखे हो माल, दबाकर बैंक में सब कुछ निकाल कर खरीद लो पंजाब नेशनल बैंक, पॉलिटेक्स, अडानी विलमार, जो सीएटी टायर, भारत डायनेमिक, एनएमसीसी, एनसीसी, अपोलो इंजीनियरिंग्स, अपोलो टायर, क्रेडिट एक्सेस, बिल इंडस टावर इंजीनियर्स लिमिटेड एंड इंडिगो पेंट्स के साथ साथ टाटा इन्वेस्टमेंट और वेदांता जैसे स्टॉक को। अब दोस्तों समझ बात होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। समर्थन सस्ता स्टॉक, समर्थन समर्थना मदर्सन 63 रुपया, जितना भी नीचे, ये जितने भी नीचे जाता है दोस्तों उतना और खरीदो। अब आ जाओ आज की कमाई कराने वाले, सुबह से आज की कमाई कराने वाले स्टॉक, सोनाटा सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी, एमएटीआर टेक एंड टाटा इन्वेस्टमेंट, जो पहले जेम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड सेल, इंडसलैंड बैंक, बजाज ऑटो एंड जुबिलेंट फूड, गेल, कैन फिन होम के साथ साथ। अब हम आते हैं दोस्तों आपकी बड़ी एनालिसिस के लिए, कि ताकि आपको दीपावली से पहले क्या ऐसा कुछ करें कि इसी महीने 1 लाख का 2 लाख हो जाए दोस्तों। इसी महीने दीपावली से पहले 1 लाख का कर लो 2 लाख, आइए और करा देते हैं दोस्तों 1 लाख का 2 लाख, 1 करोड़ का 2 करोड़ और 100 करोड़ का 200 करोड़ जी दोस्तों। और ये स्टॉक है जो आपको सुन के पसीने तो छूटेंगे ही, हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा उपहार भी मिल जाए। कौन सा ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो आपको इसी महीने दीपावली से पहले ही आपको डबल करेगा दोस्तों जी, दीपावली से पहले डबल करेगा दोस्त। कौन सा स्टॉक है अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, हम तो आपसे सीखते हैं, आप लोगों से। चलिए दोस्तों मैं लाइव आने वाला हूं अब इस वीडियो के बाद, इसलिए हमने आपको सोचा कि एक बड़ा वीडियो बना दें। तो आज अभी दीपावली से पहले डबल करने वाला जो स्टॉक है, 100 करोड़ का 200 करोड़ जिसको बनाना है तो ले लीजिए आप। ये है आपको 50 पैसा का स्टॉक है दोस्तों, 50 पैसे का ये शेयर है।
जी 50 पैसे का ये शेयर है, और ये 50 पैसे का शेयर दीपावली से पहले ही आपको डबल करेगा 100%, 100% गारंटी है दोस्तों जी। 50 पैसे का ये स्टॉक दीपावली से पहले ही डबल करेगा, जितना दम है उठा लो माल दबाकर कैसे। तो आओ दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BOM में इसका कोड है 983456 जी दोस्तों, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका कोड है VIPCECT। तो ये माल है 50 पैसे का शेयर, 100% दीपावली से पहले करेगा डबल, 100 करोड़ का 200 करोड़ अगर आपके पास है क्षमता जितना उठा लो दोस्तों। अब आइए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, 2 बजे के बाद क्या होगा और कल का एक्सपायरी क्या होगा दोस्तों। हमें चाहिए 17,800, हमने कल बोला था आपको, हमें देखना है दोस्तों 17,880 और इसी पे पूरे ये गोरेगांव वाले और FII की जो है आंखें आज तड़ाए तड़ा तड़ा आंखें फाड़ कर दूरबीन लगा कर देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे ये तीसरे दिन भी उछाल कर रहा है, उछाल पे उछल रहा है दोस्तों। समुद्र में देखेंगे ना किनारे तो डॉल्फिन मछली को उछलते देखें दोस्तों, ऐसे उछलते देखे हुए समुद्र में, दरिया में गोवा हुआ जाएंगे ना तो, या किसी बड़े 5-स्टार होटल में, तो वहाँ पे आपको डॉल्फिन, या आप अटलांटिका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर खाड़ी देशों में अरब जाएंगे तो वहाँ भी डॉल्फिन देखने को मिल जाएगा। तो ये उछाल ऐसे ऐसे उछलते हैं, जो ऐसे उछलते हैं ये निफ्टी 50, ये एक गोरेगांव वाले पागल हो गए दोस्तों कैसे ये आज भी स्टॉक मार्केट, भारतीय स्टॉक मार्केट। तो हमें तो जाइए दोस्तों 17,800 से 17,888 जी, और इसके बाद तो हम 21,000 से 25,000 की ओर तो बढ़ना है, लेकिन अगर ये आज 17,888 नहीं है दोस्तों तो 14,000 की तरफ ये खींच कर, अब ये जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों ना, समुद्र मंथन में यहाँ पे क्या है एक कम ओ ये समुद्र मंथन में ये जो इस तरह दानव थे राक्षस और इस तरह देव थे भगवान थे, और दोनों तरफ से समुद्र मंथन हो रहा था दोस्तों, लेकिन पलरा इस समुद्र मंथन में से बहुत सारे चीज़ें निकली, अमृत निकला, अमृत का घड़ा निकला, आयुर्वेद निकला, धन्वंतरी जी निकले, माँ लक्ष्मी निकली, विष्णु जी निकले, मतलब सभी बहुत चीज़ें, गाय कामधेनु गाय निकली, तो जिसके जिसके खाते में जो गया तो वो तो बड़ी कहानी हो जाएगी। लेकिन इसी तरह ये FII आज का जो मार्केट है, समझिए कि मंथन की तरफ एक तरफ FII बिकवाली में लगे हैं दोस्तों, सेल करके भागने के लिए और स्टॉक मार्केट गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो एक तरफ हमारा DII और हमारे इंडियन इन्वेस्टर लगे हुए हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएं, तो इसीलिए खरीदारी ज़बरदस्त करते रहिए, बेचने की ज़रूरत नहीं है, और बेचेंगे तो फिर पछताएंगे, सिर्फ ख़रीदना है बाई एंड बाई, और सेल के बारे में सोचना है 2 बजे के बाद। तो 14,000 की तरफ धोखा या मौका, और 21,000 से 25,000 की ओर रोका या टोका। तो ये FII रोकने वाला है कि टोकने वाला है, और DII इसको भोंकने वाला है कि काटने वाला है दोस्तों। FII को DII और रिटेलर काटने वाले हैं कि भोंकने वाले हैं, ये तो बताएंगे 3:30 में स्टॉक मार्केट के, जब मार्केट बंद होगा उस समय बड़े बड़े धुरंधर और एनालिस्ट आते हैं दोस्तों, और बताते हैं
कि कोई 25,000, कोई 21,000 और कोई 17,000 तो कोई 18,000। लेकिन जब मार्केट खुलता है तो सभी के एनालिसिस जो है धज्जियाँ उड़ जाती है और इसके बाद वही रह जाता है कि ढाक के तीन पात, ढाक के पात तीन, मतलब उसकी कहानी ये भी कहावत है दोस्तों, ये कहावत बहुत बड़ी लंबी है इसलिए हम नहीं कह सकते। तो चलिए निफ्टी 50 17,888 मुझे आज देखना है और निफ्टी बैंक देखना है दोस्तों। निफ्टी बैंक 38,880 से नीचे नहीं जाना चाहिए वरना बहुत खतरा हो जाएगा। और 38,880 चला गया तो फिर इसकी कहानी बदल जाएगी। लेकिन आज अगर हमें देखना है 41,150 और 41,150 देखने के लिए 41,150 निफ्टी बैंक अगर आता है तो सीधे 50,000 2025 में 50,000 दोस्तों। तो निफ्टी 50 टारगेट 25,000 और निफ्टी बैंक 50,000 और सेंसेक्स 1,00,000। अब बेचो जबरदस्त दबा कर बेचो।